दिल्ली जल रहा था उस समय अपने घर में ये चूहे के तरह दुमक कर बैठा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के जो नेत्री हैं, महिला हैं, एक नेता के पास सोती हैं, दूसरा नेता नाराज ना हो इसलिए दूसरे नेता के पास जाती हैं, सोती हैं, उससे दूसरा नाराज ना हो तीसरे नेता के पास जाकर सोती हैं, तब जाकर वह राजनीति में ऊपर जाती हैं। अंजना ओम कश्यप स्टेडियम में बैठकर खूब महिला हितैषी बात करती थी। अरे तुम ही को गाली दिया गया है अंजना मैडम, जरा आप FIR कर दीजिए उसके ऊपर। आज बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है, गाली देने वालों को संरक्षण दे रही है, तमाम लोगों को ये सरकार संरक्षण दे रही है। अगर सरकार संरक्षण देना बंद कर दे इसका माँ इसका बाप का औकात है एक शब्द बोलने का क्या? आज देश के अंदर महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार की घटना घट रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी फेविकोल मुंह में लगा के चिपका के बैठे हुए हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। अपनी तो बीवी को छोड़ दिए, लेकिन कम से कम इस देश के महिलाओं के तो सुरक्षा की बात कीजिए, इस देश के महिलाओं के बारे में सोचिए। ये केवल कंगना रनावत के बारे में सोचते हैं, जब कंगना रनावत का अंगना गिरता है टूटता है तो उसको सुरक्षा मिल जाता है। ये तो प्रधानमंत्री झूठा है भाई, बोलता है 40 साल भीख मांग लिए तो हम बीबी को छोड़ दिए, तो हम ये कर लिए वो कर लिए। देश का है जो शादी कर लेगा वो देश के बारे में कुछ नहीं कर सकता है का? मतलब अगर लगता है कि जो बीबी को छोड़कर ही विकास कर सकता है तो आप भी अपने बीबी को छोड़ दीजिए, हो सकता है आपका भी चैनल आज तक से बड़ा चैनल बन जाएगा, आपका भी विकास हो जाएगा। हमारी तो बीबी नहीं है ना, तो हम भी छोड़ के चेक कर लेते, हो सकता है हमका हमारा भी विकास हो जाता। अब मौका आ चुका है इस दंगाई सरकार को गेट आउट करने का, ये बलात्कारी सरकार को गेट आउट करने का, ये बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार को गेट आउट करने का समय आ चुका है। असल के काम करती है, लेकिन उसको दिल्ली से किडनैपिंग करके हरियाणा लेकर जाया जाता है, वहां पर चार चार दरिंदे मिलकर उसको बलात्कार करते हैं, उसको पार्ट प्राइवेट पार्ट पर चक्कू से हमला करके, धारदार हथियार से हमला करके उसको गर्दन काटकर हत्या करने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी ये सरकार पर ये प्रशासन पर एक भी जू रेंगने का काम नहीं करता है। एक बताइए, दिल्ली के अंदर एक जो लड़की दूसरे के सुरक्षा की बात करती है, सिविल डिफेंस क्या है, एक पुलिस के तरह का वर्दी पहनकर महिलाओं की और लोगों की सुरक्षा की बात है, वो लड़की आज हमारे देश में सुरक्षित नहीं है, तो आप समझ सकते हैं इस देश में आम लड़कियों का, इस दिल्ली में आम लड़कियों का क्या हाल होगा। एक बात बताइए हमको, सिविल डिफेंस में नौकरी करने वाले लड़की के साथ बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, दर्दनाक हादसा होता है, उसकी हत्या हो जाती है, लेकिन महिला आयोग उनके परिवार से मिलने नहीं जाता है, मोदी जी मिलने नहीं जाते हैं, और ना ही उनके मंत्रिमंडल से कोई मंत्री मिलने जाता है, और ना ही दिल्ली का मुख्यमंत्री उस परिवार से मिलने जाते हैं, और ना ही दिल्ली का महिला आयोग जाता है। केजरीवाल जो मुसलमानों के वोट लेने का दम भरते हैं और तमाम वादे करके जो सत्ता में आए, क्या ये भी मुस्लिम विरोधी है क्या? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल RSS का संघ का छोटा पैकेट है। जिस तरीके से हमारा दिल्ली जल रहा था, दिल्ली के लोग गो के नुकसान हो रहा था, दिल्ली जल रहा था, उस समय अपने घर में ये चूहे के तरह दुमक कर बैठा हुआ था। कम से कम दिल्ली जाकर दिल्ली वासियों को बचाता। केजरीवाल जी, बिजली और पानी फ्री कर देने से दिल्ली का विकास नहीं होगा, दिल्ली के लोगों को आपको सुरक्षा देना पड़ेगा, आप दिल्ली के CM हैं, दिल्ली के नागरिकों को सुरक्षा देना पड़ेगा, दिल्ली के महिलाओं को बच्चियों को सुरक्षा देना पड़ेगा, तब जाकर दिल्ली बढ़ेगा। आज एक मुस्लिम लड़की जो गरीब लड़की है, अपने परिवार को जीवन यापन कराती है, एक समाज के लिए लड़ती है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लड़ती है, लेकिन जब आज उसके साथ ये घटना घटता है तो कोई ना ही प्रशासन के लोग उसके साथ खड़े होते हैं, ना ही सरकार के लोग खड़े होने का काम करते हैं। एक बात बताइए, वह शहीद हो गई, क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री का कर्तव्य नहीं बनता है कि उत्तराखंड प्रचार करने चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचार करने चले जाएंगे, पंजाब के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री चले जाएंगे, लेकिन क्या संगम बिहार जाकर साबिया और राबिया के परिवार से नहीं मिल सकते? देश के प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनावी जुमले फेंकते हैं, मंच से कहते हैं कि मैं अपने मुस्लिम बेटियों की सुरक्षा के लिए 3 तलाक का कानून ला दिया। कहाँ गया कानून आपका? एक मुस्लिम बेटी को, मुस्लिम लड़की को दरिंदे तरीके से मार दिया जाता है, समाज को शर्मसार कर दिया जाता है, उस पर आप एक टिप्पणी नहीं करते हैं, उस पर बोलने का काम नहीं करते हैं, उसके परिवार से नहीं मिलने का काम करते हैं। आज मैं एक बात बता देता हूं, आज राबिया के परिवार को रोते रोते बहुत बुरा हाल है,
आज उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। दिल्ली जब पुलिस के पास जाती है तो दिल्ली पुलिस कहता है कि यह मामला सूरज कुंड का है, हरियाणा पुलिस के अंतर्गत आता है। जब राबिया के माता परिवार, माता पिता, उसके परिवार के लोग हरियाणा पुलिस में जाते हैं तो हरियाणा पुलिस कहती है कि वह लड़की दिल्ली पुलिस के सिविल डिफेंस में काम करती थी, आप वहां चले जाइए। जब वहां से डीएम ऑफिस जाती है तो डीएम साहिबा का और डीएम साहब कहते हैं कि लड़की आपके घर चली जाएंगी। आज उनके परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं है, कोई सुनने के लिए नहीं है, लेकिन परिवार के लोग आज भी भटक रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे बेटी को जो हत्यारा है, बलात्कारी है, उसको फांसी पे चढ़ा दो, हमारी बेटी के साथ इंसाफ करो। कोई साजिश के तहत है क्या? क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं होना, क्या किसी जातीय नफरत या धार्मिक भेदभाव की वजह से शिकार नहीं बनाया? देखिए, ये जांच का विषय है, ये क्या किस मामले को लेकर किस आधार पर इस तरीके से दर्दनाक हादसा हुई है, किस आधार पर कौन कौन लोग शामिल थे, किस तरह से किए, ये जांच का विषय है और जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए ताकि इसमें जो भी शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आप बताइए, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हमारी बहन बेटी अगर सुरक्षित नहीं है तो गाँव की बेटियों की सुरक्षा की बात कौन करता है, ये कौन करता है? आज दिल्ली के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटना घट रही है। दिल्ली के अंदर सुरक्षा की बात की जाए तो तमाम डिफेंस के लोग, जैसा कि अभी एक डिफेंस की बेटी के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ, लेकिन तमाम बसों के अंदर आप देखे होंगे तमाम महिला डिफेंस कर्मी वहां पर मौजूद होती हैं और महिलाओं को साथ में मुफ्त यात्रा करने की भी व्यवस्था केजरीवाल ने दी है। क्या लगता है केजरीवाल अब इन चीजों से मुंह फेर रहे हैं? देखिए, मैं बता रहा आपको, बस के अंदर आप जाइएगा तो लिखा रहता है कि बस में महिलाओं को छेड़ने का प्रयास नहीं करें, इस बस में मार्शल उपलब्ध है। वही सिविल डिफेंस के लोग महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लोगों की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन वही सिविल डिफेंस के साथ, राबिया के साथ, एक लड़की के साथ इस तरह का बलात्कार हुआ है, लेकिन सरकार उस लड़की के साथ खड़ी नहीं है, प्रशासन के लोग उसके साथ खड़े नहीं है, बल्कि ये लग रहा नहीं। आज देखिए, हमारे देश के न्यायपालिका पे भरोसा है, लेकिन देश के न्यायपालिका, आज सत्ता में बैठे लोग, प्रशासन के लोग सत्ता में बैठे लोगों के दबाव में काम करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर आसिफा के साथ बलात्कार की घटना घटती है, उसके समर्थन पे भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस बजरंग दल के लोग तिरंगा झंडा लेकर उस बलात्कारी के समर्थन में आने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मनीषा के साथ बलात्कार की घटना घटती है, एक दलित बेटी के साथ उसको बलात्कार कर दिया जाता है और उसकी लाश को गर्दन की हड्डियां तोड़ दी जाती है, जीभ काट दिया जाता है और उसके लाश को बिना पिता माँ बाप परिवार से पूछे आधी रात को वो जलाने का काम करते हैं, अंतिम संस्कार करने का काम करते हैं, जो हिंदू में, हिंदू धर्म में आ रात को अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये सरकार, कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, एक लड़की को बलात्कार करते हैं, जब बलात्कार पीड़ित अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट में जाता है तो अपने गुंडे को भेजकर उस पूरे परिवार के सहित उस गाड़ी को ठोकर मारने का काम करते हैं। अगर वो सेंगर विधायक, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, अगर बलात्कारी को फांसी हो गया रहता तो हमें लग रहा है कि बलात्कार करने वाले लोगों को डर पैदा होती और समाज में बलात्कार की घटना नहीं घटती। लेकिन ये सरकार आज बलात्कारियों को, आतंकवादियों को, दंगाइयों को बचाने का काम कर रही है, इसलिए उनका मनोबल ऊंचा होने का काम हो रहा है। आप अति नरसिम्हा सरस्वती का नाम सुने होंगे, लगातार वो विवादित बयान देते हैं। इससे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुसलमानों के पैगंबर हैं उनके खिलाफ भी वो भी आपत्तिजनक बयान दिए, तो मुसलमान आक्रोशित तो थे, उन्होंने सड़क पर काफ़ी एहतजाज किया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी तब भी नहीं हुई थी। अब उसने खुद बीजेपी के उन तमाम नेताओं के ऊपर, जो महिला नेता हैं उन पर उंगली उठाया है, उसने कहा कि ये नेता ऐसे नहीं बने, ये तमाम लोगों के पास, बीजेपी के एक नेता के पास से, दूसरे के पास से, तीसरे के पास जा करके ये पद हासिल करिए। एक बात समझ लीजिए, दंगाई और बलात्कारी किसी का नहीं होता है। अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी नहीं होते, तो वो आदमी के ऊपर एनएसए लगकर यूएपीए के तहत डालकर उसको जेल के अंदर होता, क्योंकि इस देश में लगभग 30 करोड़ आबादी मुसलमान समाज की है। उसके नबी साहब को, नबी साहब के गाली देने का काम करता है, उस पर आपत्तिजनक शब्द
प्रयोग करता है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री कानून व्यवस्था उस पर टिप्पणी नहीं करता है, उनको गिरफ्तार नहीं करता है, उन पर FIR नहीं करता है। जब आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद महिला बैठी हुई है संसद में, महिला आयोग उस महिला पर टिप्पणी देने का काम कर रहा है, देश की महिलाओं को गाली देने का काम कर रहा है, फिर भी यह महिला लोग एक शब्द बोलने का काम नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री अब गवर्नर भी हैं, वही तो बात कह रहा हूं मैं, भी ऐसे ही गई होंगी। देखिए ये लोग जो सत्ता में बैठी हुई है महिलाएं, केवल जब बलात्कार होता था निर्भया का, उस समय ये लोग सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए आज सड़क पर आती थी, लेकिन आज हर दिन किसी ना किसी बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटना घटती है, एक शब्द बोलने का काम नहीं करती है, उनके साथ खड़े नहीं होती है, बल्कि उनको तो गाली दिया गया यति नरसिंहादन जी के द्वारा, गाली दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेत्री हैं, महिला है, एक नेता के पास सोती हैं, दूसरा नेता नाराज ना हो इसलिए दूसरे नेता के पास जाती हैं, सोती हैं, उससे दूसरा नाराज ना हो तीसरे नेता के पास जाकर सोती हैं, तब जाकर वह राजनीति में ऊपर जाती हैं। ये पूरे तरीके से महिला विरोधी बात है, महिलाओं को अपमान करने का बात है, ये महिलाओं के विरोध बोला है, इसके अंदर महिला के केस बुक करके इनको जेल डालना चाहिए। और महिलाओं से पूछ रहे हैं कि जो कहती थी बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, अरे महिलाओं को तो गाली दिया जा रहा है और उस आदमी पे FIR तक भी नहीं करा रहे हैं, कहाँ है स्मृति ईरानी मैडम? आपके समाज के हमारी बहन को गालियां दिया जा रहा है, आप एक शब्द नहीं बोल रही है? रूबिका लिया का खूब महिला, मुस्लिम महिला हितैषी बनती थी, आज तुम्ही को गाली दिया जा रहा है, तुम भी जाकर FIR कर दो। अंजना ओम कश्यप स्टेडियो में बैठकर खूब महिला हितैषी बात करती थी, अरे तुम्ही को गाली दिया गया है अंजना मैडम, जरा आप FIR कर दीजिए उसके ऊपर। अभी वो शख्स यही नहीं रुका, कल उसका एक बयान फिर आता है, वो कहता है मुस्लिम मर्द जो होते हैं वो सीना तान करके चलते हैं और हिंदू मर्द सीना झुका करके चलते हैं, और वहीं पर जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं वो अपनी छाती को दबा कर चलती हैं, शर्मनाक बयान देते हुए उसने कहा, और जो हिंदू महिलाएं होती हैं वो छाती खोल कर चलती हैं। देखिए मैं पहले ही कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी नहीं होते तो उसके ऊपर NSA और UPA और राजद्रोह जैसी मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डालने की जरूरत है। इसलिए को आए दिन से छूट मिलती है ऐसे ये सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है, ये सत्ता में बैठे लोग ऐसे जो बोलते हैं, एक समुदाय को गाली देने का काम करते हैं, देश तोड़ने की बात करते हैं, संविधान तोड़ने की बात करते हैं, लोकतंत्र तोड़ने की बात करते हैं, ये तो सरकार उनको संरक्षण देने का काम कर रही है, आज बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है, गाली देने वालों को संरक्षण दे रही है, तमाम लोगों को ये सरकार संरक्षण दे रही है। अगर सरकार संरक्षण देना बंद कर दे इसका बाप का औकात है एक शब्द बोलने का क्या? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे मोदी जी का नारा ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला साबित हुआ, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, ये नारा पूरे तरीके से खोखला साबित हुआ, ये नारा पूरे तरीके से जुमला साबित हुआ। आज देश के अंदर महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार की घटना घट रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी फेविकोल मुंह में लगा के चिपका के बैठे हुए हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, अपनी तो बीवी को छोड़ दिए, लेकिन कम से कम इस देश के महिलाओं के तो सुरक्षा की बात कीजिए, इस महिलाओं के बारे में तो सोचिए जो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारे परिवार के लोग हैं, उनके बारे में तो सोचिए, इस देश के महिलाओं के बारे में सोचिए। ये केवल कंगना रनावत के बारे में सोचते हैं, जब कंगना रनावत का अंगना गिरता है टूटता है तो उसको सुरक्षा मिल जाता है, लेकिन इस देश में आम महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, क्या आप उसको सुरक्षा देने की बात करते हैं? क्या उनकी व्यवस्था करते हैं? अरविंद केजरीवाल कहते हैं महिलाओं को सुरक्षा के लिए गली गली कैमरा लगा दिए हैं, स्ट्रीट लाइट लगा दिए हैं, कहाँ गया स्ट्रीट लाइट हो आपका? संगम बिहार में कहाँ था लाइट हो आपका? दिल्ली कैंट में आपका लाइटवा कहाँ था? आपका कैमरा कहाँ था? कौन दिखाई दे रहा है? क्या लगता है प्रधानमंत्री, अभी आपने कहा कि मोदी जी के मुंह में फेविकोल लगा दिया गया चिपका दिया, क्या कोई है क्या उनके ऊपर दबाव बनाने वाला? बिल्कुल इन मुद्दों पर मत बोला करो,
ये सरकार पूरे तरीके से अडानी और अंबानी के हाथों बिक चुकी है। अडानी और अंबानी जो बोलते हैं वही ये सरकार करती है, चाहे जीएसटी के मामले की बात कर लीजिए, चाहे नोटबंदी की बात कर लीजिए, चाहे एनआरसी का कानून की बात कर लीजिए, या तीनों कृषि कानून की बात कर लीजिए। बिल्कुल ये सरकार पहले मनमोहन सिंह जी को बदनाम किया करती थी कि ये सरकार रिमोट पर चलते हैं, उस अर्थशास्त्री को बदनाम करते थे जो अर्थशास्त्री का लिखा हुआ किताब लंदन के लोग अमेरिका के लोग पढ़ते हैं। ये तो प्रधानमंत्री झूठा है भाई, बोलता है 40 साल भीख मांग लिए तो हम बीबी को छोड़ दिए, तो हम ये कर लिए वो कर लिए। देश का है जो शादी कर लेगा वो देश के बारे में कुछ नहीं कर सकता है का? मतलब अगर लगता है कि जो बीबी को छोड़कर ही विकास कर सकता है तो आप भी अपनी बीबी को छोड़ दीजिए, हो सकता है आपका भी चैनल आज तक से बड़ा चैनल बन जाएगा, आपका भी विकास हो जाएगा। हमारी तो बीबी नहीं है ना, तो हम भी छोड़ के चेक कर लेते, हो सकता है हमका हमारा भी विकास हो जाता। इस देश में क्या जिनके पास बीबी है वो देश का विकास के बारे में नहीं सोचते हैं क्या? इस देश की महिला विकास के बारे में नहीं सोचती हैं? ये लोग भाई उलूल जुलूल बयान देते हैं, ये लोग कुछ बोल देंगे बैकूफ की तरह। पहले बोलते हैं गंगा नदी में जो लाशें बह रही है वो नाइजीरिया की है, इंडिया की नहीं है। अरे भाई बैकूफ समझते हो क्या इस देश की जनता को? अब मौका आ चुका है इस दंगाई सरकार को गेट आउट करने का, ये बलात्कारी सरकार को गेट आउट करने का, ये बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार को गेट आउट करने का समय आ चुका है। ये सरकार को अब भगाना पड़ेगा, तभी हमारा लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा और इस देश के आम नागरिक बचेंगे।